उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए भी अभी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि इस हालत में हमारा देश गुजर रहा है उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में किस दिशा में ले जाना चाहता है। जब तक दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की हालत को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वह देश पर हमला करना चाहते हैं, और इस तरह से हमारी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में बगावत फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस हालत में भी रखा गया हो बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ दृष्टि से जब मैं इस देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि कोई खास समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन यह मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ है उसके मूलभूत विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ हमने यह निश्चय किया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समस्या के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूँ कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयां सरकार के समक्ष हैं उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि शक्ति बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं। मैं यह जानता हूं कि बहुत से लोग जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है इस तरह के कदम उठाएं कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएं। वास्तव में यह सरकार जिसने साहसपूर्ण कार्य किया है इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे, जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है वह गांधी जी के नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है उसका विरोध किया, और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती
कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का एक प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि इस बात को भी जानते हैं कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी सूरत में उनकी वह बात मुझे समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। माननीय महोदय, सदन के समक्ष जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और खुशी मुझे उस समय हुई जब एक अध्यादेश द्वारा इस बीमा व्यवसाय के ऊपर अधिकार किया गया था। मेरे मित्र ने इसका विरोध किया।